वेलकम टू रोबस्ट न्यूज़। रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको माइग्रेंट मजदूरों का सामूहिक प्लान, व्यवस्था और समाज के बारे में बताते हैं। प्रवासी मजदूरों का सामूहिक प्लान भुखमरी के तत्कालिक भय से कहीं ज़्यादा गरीब हिंदुस्तानियों के सामूहिक अवचेतन में सदियों से बैठी इस धारणा का प्रमाण है कि उन्हें सत्ता, उसकी व्यवस्था और समाज के संपन्न वर्ग से कभी कोई आशा नहीं करनी चाहिए और यह कि अंत में गरीब की कोई नहीं सुनेगा। कोरोना लॉकडाउन के बाद देश के अनेक भागों से प्रवासी मजदूरों के यूपी, बिहार, बंगाल आदि में अपने गाँव के लिए पलायन की जो हृदय विदारक तस्वीरें और इंटरव्यू सामने आए हैं, उन्होंने कलेजा ऐंठ कर रख दिया है। दुनिया में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कंधों पर बच्चे और हाथों में बैग और गठरियां उठाए स्त्रियां और अपने पांव चलने में सक्षम छोटे बच्चों के साथ लोग सैकड़ों मील लंबे सफ़र को तय करने के इरादे से निकल पड़े हों। यह अभूतपूर्व बात है और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये लोग एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़े जो अब तक किसी ने नहीं किया है और जिसमें रास्ते में ही दम तोड़ देने की पूरी संभावना है। 22 आदमी अब तक मर भी चुके हैं। बेशक हमने कांवरियों को भी लंबी राहों पर चलते देखा है, लेकिन उनके लिए पूरे रास्ते खाने पीने आराम करने के लिए शिविर बने होते हैं। सबसे बड़ी बात कि वे तंदुरुस्त लोग होते हैं, खुशी खुशी गाते बजाते जा रहे होते हैं और उनके दिमाग पर यह बोझ नहीं होता कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और बीवी बच्चे कल को भूख से मर भी सकते हैं। वैसे आपको याद होगा कि कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती है और कभी कभी अधिकारी उनके पांव भी दबाते देखे जाते हैं। भूखे पेट, सिर पर बोझ और पाँव में फटे जूते चप्पलों के साथ ऐसा दुस्साहस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया था। जरा सोचिए, सैकड़ों मील पैदल चलने की कोई हिम्मत भी कैसे कर सकता है। बड़े बड़े एथलीट इतना न चले हों और अगर हजारों लोग ऐसा करने पर आमदा हो गए तो उसके पीछे कोई ऐसे कारण जरूर रहे होंगे जिनका हम अमूमन क्यास भी नहीं लगा सकते। माना रिक्शे रुक गए, फैक्ट्रियां, काम धंधा और रोज की कमाई बंद हो गए, लेकिन चार दिन में ही फाका कसी या भुखमरी की नौबत आ गई हो ऐसा नहीं था। फिर वो कौन सा डर था जो इतने सारे लोगों को एक साथ इस कदर सताने लगा कि वे अगर तुरंत नहीं भागे तो यहाँ बहुत भारी मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि जब तक यह खबर आप तक या सरकार या ऐसे लोगों को घरों के बाहर निकलने से ही रोक दे, जो लोग निकल चुके हैं उन्हें अस्थायी कैंपों में रख दिया जाए या कुछ को बसों आदि में बैठा कर उनकी मंजिल की तरफ रवाना कर दे। सूरत में प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी गई और 90 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों को फिलहाल रोक देने से, वापस भेज देने से या कहीं कैंपों में खिचड़ी खिला देने या किसी भी तरह से लॉकडाउन को सफल बना लेने या कोरोना के खतरे को कम कर लेने से हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा कि आखिरकार वो कौन सा खौफ था जो हजारों लोगों के दिलो दिमाग पर एक बैग इस कदर तारी हो गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान छोड़ दे तो ऐसा किसी अफवाह से नहीं हुआ था, जब सैकड़ों मील दूर बैठे एक दूसरे से अनजान लोग भी एक जैसा आचरण करे तो यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा इन सभी हिंदुस्तानियों के सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव सबकॉन्शियस में सदियों से बैठी हुई किसी बात की वजह से है। वो बात यह है कि गरीब हिंदुस्तानी सदियों से ये देखते और मानते आ रहे हैं कि उन्हें सत्ता और उसकी व्यवस्था से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। इतिहास गवाह रहा है कि राज चाहे राजे महाराजों का रहा हो, सुल्तानों का, बादशाह का, कंपनी बहादुर का,
या गोरी सरकार का राज्य का अस्तित्व मूलतः शासक के लिए होता था, शासित के लिए नहीं। बहस के लिए एकाध अपवादों को छोड़ भी दे तो ज़्यादातर शासकों का उद्देश्य गरीब जनता का शोषण करना होता था। प्राचीन काल से मान्यता रही कि राजा प्रजा से इसलिए टैक्स या कर लेता है कि उसके बदले में प्रजा की बाहरी आक्रमणों से और आंतरिक अपराधियों से रक्षा करेगा। प्रजा की जो रक्षा इन लोगों ने की वो तो सब जानते हैं। सिकंदर से शुरू कर हून, शक, मंगोल, अरबी, तुर्की, अफगानी, मुग़ल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि सभी सदियों तक हमले करते रहे, जनता को लूटते रहे और उनके तथाकथित रक्षक ये राजे महाराजे लोग बड़ी बड़ी मूछों पर ताव देने के बाद भी निरंतर साल से हारते रहे। प्राइमरी स्कूलों की किताबों में बच्चों को बहला दिया जाता है कि राजा ने सैकड़ों सड़कें बनवाई, तालाब खुदवाए, सराय बनवाई, धर्मशालाएँ बनवाई आदि आदि। हकीकत में जनता की जो बदहाली थी वो जनता ही जानती है। शासक का मुख्य कार्य होता था कि ऐसो आराम करे, मुजरे देखे, नाच गाने से मन बहलाए, शिकार करे, बेहिसाब खाए पिए और राज में भले कुछ हो जाए, अकल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, महामारी फैल जाए, मगर जनता से लगान वसूलना ना भूले। शासक जो फौज या पुलिस टाइप की चीज रखता था वो किसी भी बाहरी आक्रांता से लड़ने के काम की नहीं होती थी। वो इतना ही कर सकती थी कि जनता लगान देने में कोताही करे तो कोड़े मारकर या हाथ पैर तोड़कर लगान वसूल ले। आज भी जनता के लिए शासन किसी न किसी प्रकार की दंडात्मक व्यवस्था का ही प्रतीक है। बच्चे भी जानते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी या मारेगी, पुलिस मदद करेगी, ऐसा ना उसने देखा है ना वो मानता है। आपने कभी सोचा कि हमारे यहाँ जनता कभी भी अपने राष्ट्र के लिए बाहरी हमलावरों के खिलाफ विद्रोह में या किसी राजा के साथ युद्ध में सामूहिक रूप से क्यों नहीं उठ खड़ी हुई थी? उस युग में तोपों को छोड़कर जनता भी वही तीर, तलवार, भाले उठा सकती थी जो हमलावरों की सेनाओं के पास होते थे। हमारा संख्या बल इतना भारी था कि यदि हम उठ खड़े होते तो कोई सेना उनके सामने ना टिकती। लेकिन जनता इसलिए नहीं खड़ी होती थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन पर राज करने वाला चाहे उनकी अपनी जाति, धर्म, देश का हो या बाहर वाला, उनके हाल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बात को गौर कीजिएगा, सभी उनका एक ही तरह से शोषण करते, इसलिए को निरप होए हमें का हानि, उनकी अचल मान्यता रही है। शासकों के ऐसे आचरण के कारण ही हमारे यहाँ जनता में राज्य और राष्ट्र के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया था। सदियों की विरक्ति के कारण हमारे लोग भाग्यवादी विचारधारा या फेडरलिज्म के समर्थक हो गए। हमारे भाग में भगवान ने जो लिखा है वही होगा। शासन गरीब की कोई सूद नहीं लेगा, यही भाव आज भी जनता के अवचेतन सबकॉन्शियस में विद्यमान है और उसके आचरण को प्रभावित करते हैं। जो लोग सैकड़ों मील पैदल चलने की नीयत से निकल पड़े, उनका मानना था कि काम धंधा तो बंद ही है, अगर वे प्रदेश में बीमार पड़े तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। वे हर साल डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू आदि के समय ये देखते आए हैं कि कानून के बावजूद अस्पताल बेड ना होने का बहाना बनाकर उन्हें दफा कर देते हैं। यहाँ एक और बात गौर करने की है, भले ही ये प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई में बरसों से रहते आए हों, उनका इन जगहों से, वहाँ के उन बासिंदों से जिनके लिए वे काम करते हैं कोई भी भावनात्मक संबंध नहीं है। ये संबंध पूरी तरह व्यावसायिक है, काम करो, पैसा लो, आगे हमसे क्या। इसलिए वे संकट में भी उनसे किसी भी प्रकार की सहानुभूति या मदद की अपेक्षा नहीं करते। ये बात साबित ही हो गई जब सरकार के आदेश के बावजूद तमाम मालिकान ने उन्हें तनख्वाह देने से मना कर दिया। सोचिए, अगर उनके मालिकान उन्हें पैसे देने का पक्का आश्वासन दे दिए होते तो वे क्यों भागते भला। प्रदेश में हमदर्दी के अभाव के कारण ही वे अपने गांव
लौट जाना चाहते हैं, जहां उन्हें कम से कम अपनों की हमदर्दी तो मिल सके और वे उन्हें हमदर्दी दे सके। कृष्णचंद्र ने दशकों पूर्व एक गधे की आत्मकथा में लिखा था कि जब रामू धोबी एक हादसे में मर गया तो कुछ देर तो उसके ग्राहकों ने सहानुभूति जताई, पर फिर उन्हें चिंता हुई कि उनके कपड़ों का क्या होगा जो रामू धोबी के पास दिए हुए थे। माना रामू धोबी अच्छा आदमी था, पर हमारी सिफोन की साड़ी कौन सी बुरी थी। हिंदुस्तान में गरीब आदमी अपने राजनीतिक विचार ठीक से अभिव्यक्त या आर्टिकुलेट नहीं कर पाता। वो वोट किसी भी पार्टी को देता हो, किसी भी पार्टी की योजनाओं का लाभ उठाता हो, पर उसे यह मालूम है कि वह सब अस्थाई है। उसे इसमें कोई शक नहीं कि अंत में गरीब की कोई नहीं सुनेगा। उसे अच्छी तरह मालूम है कि किसी एक वक्त पर शासन की मंशा शासन की अवसरवादिता का प्रतीक और परिणाम दोनों होती है। वोट लेना है या किसी और काम के लिए फुसलाना है, उस समय सरकारी मदद लॉलीपॉप के रूप में मिल जाएगी। बाकी समय तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हें बैठा कर खिलाने का सरकार ने ठेका ले रखा है क्या? वह किसी जाति का हो, किसी पार्टी का वोट देता हो, उसके राजनीतिक रहनुमा किसी पार्टी के हो, उसे मालूम है कि गरीबी एक अलग ही जाति है। अपने घर जाने को बैकुल सड़कों पर चले जा रहे हजारों लोग 50 जातियों के रहे होंगे। हो सकता है कि जाति धर्म के आधार पर लड़ते झगड़ते भी रहे हों, जैसे NRC, CAA, NPR। लेकिन संकट के समय केवल एक जाति रह गई, गरीबी, और रह गया उनके पास केवल कुएं के तले पर पड़े आदमी का डेस्परेट करेज कि अब इससे नीचे कहाँ जा सकता है। मरना यहाँ भी है और सड़क पर भी, तो सड़क पर ही क्यों ना मरे। कम से कम ये अफसोस तो नहीं हुआ कि हमने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। आज़ादी के 73 साल बाद भी गरीब जनता के अवचेतन सबकॉन्शियस की यह धारणा ज्यों की त्यों त्यों है, और यह हमारे महान प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाले और जल्द ही दुनिया के उन्नत अमीर देशों की श्रेणी में आ जाने वाले शक्तिशाली राष्ट्र जिसके दुश्मन थर थर कांपते हैं, उसकी कटु वास्तविकता है। कैसा लगा आपको हमारा ये विचार, कैसा लगा हमारा ये अनुभव? कृपया चैनल में कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू लिसनर। मतलब लोगों का बहुत हालत खराब है, जीना मुश्किल है। आप तो शायद ठेला चलाते हैं क्या? क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया? लक्ष्मण पासवान। तो आज इस बंदी के दौरान आप लोगों का क्या हाल है? बहुत खराब है। सरकार की ओर से क्या मदद मिला आपको? कुछ नहीं। खाने पीने का, दाल रोटी चावल सब्जी कुछ भी? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला है? नहीं। कहाँ रहते हैं, कहाँ घर है? हमारा घर काली घाट है, नया टोला। नया टोला काली घाट कहाँ पड़ता है? नया टोला तो बोल रहे हैं। कौन जिला में है? अब्दुल्ला नगर पड़ता है। अब्दुल्ला नगर जिला पूर्णिया है? जिला पूर्णिया। अच्छा, तो अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं। घर में कितने लोग हैं आपके? हमारा बेटे का है 5 परिवार, हमारा 4 परिवार। तब सब क्या खाता पीता है? क्या खाता है? वही भूखले सब रहता है, भूखल रहता है। कमा के ले जाते हैं 100 तो खाता है, नहीं रहता है भूखल रहता है। मतलब अधिकतर टाइम भूखे ही रहते हैं आप लोग? बच्चा को जो लड़का जो है वो भी बीमार है, गोर में घाव हो गया, वो भी कमा नहीं सक रहा। और उसका फिक्र हमारा पास में। तो हॉस्पिटल वगैरह में नहीं दिखा है? दवाई कराए हैं, अब क्या हो रहा है। तो इस लॉकडाउन में आपको कोई सुविधा नहीं मिला? कुछ नहीं। ठेला चल रहा है, कमाई हो रही है? आज तो कुछ बोहनी तक नहीं। आज सुबह से बोहनी भी नहीं हुआ? नहीं नहीं। तो आज सुबह से क्या खाए पिए हैं? वही 4 पूड़िया भी देख किया था, खाए
कहाँ सरकार की ओर से चार पूड़ी मिला था आपको? जी नहीं। तो पब्लिक कोई दिया नहीं? वो मतलब कोई पब्लिक आपको दिया है? हाँ। और सरकार की ओर से आपको कुछ नहीं मिला? नहीं।